हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया नेटिंग कंपनी। फ्रेंड्स, आज हम ये छोटे छोटे कपड़े से एक बहुत ही सुंदर आइटम बनाएंगे। ये देखिए, रानी कलर का मेरा है। इससे मैंने ये पट्टियाँ काट ली है फ्रेंड्स, करीब 4 इंच, 4 इंच तो चौड़ी, ठीक है। और 7 इंच लंबी दिख रही फ्रेंड्स, ये मैंने पट्टियाँ काट ली। और इधर से ये धागे ना निकले इसके लिए मैं ये इससे मोमबत्ती से इसको ये धागे जला दूंगी ताकि ये जले नहीं, मतलब निकले नहीं तार इसके, ठीक है। सभी पट्टियों को मैं ऐसे कर लूँगी फ्रेंड्स। कुछ जो एक्स्ट्रा है वो निकाल दूँगी, ये देखे दिख रहा है ना फ्रेंड्स। इसकी मेरे पास लाइटर का वो स्प्रिट खत्म हो गई, इसलिए मैंने मोमबत्ती लगाई ताकि इनके तार नहीं निकले। सभी पट्टियों को मैं ऐसे कर लूँगी फ्रेंड्स। देखिए, मैंने 5 पट्टियाँ तैयार कर लिए। जो ज़्यादा ही बाहर निकला हो उसको मैं बाहर कट कर दूंगी, बाकी मैं इससे मोमबत्ती की लौ से इनको जला लूंगी फ्रेंड्स, ताकि बाहर ना निकले, मुड़ जाए आगे से। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा काला काला भी खराब लगता है। ये 5 5 पट्टियाँ काट ली मैंने 4x7 की, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक पट्टी लिए उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे फ्रेंड्स, और फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे। दिख रहा है, दिख रहे हैं ना फ्रेंड्स। और फिर इन दोनों को देखिए, दोनों को अंदर मोड़ दिया, फिर इन दोनों को इस तरह से अंदर मोड़ देंगे, अंदर मोड़ देंगे। और यहाँ पर भी कोई तार वार दिख रहे हैं तो मैं ऐसे करके यहाँ रखती जाऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। एक, ये 5 पट्टियों को मैं इस तरह से फोल्ड करके फ्रेंड्स, और मैं इसको दोबारा फोल्ड कर दूंगी, दोबारा फोल्ड कर। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है ये तार वार, तो मैं इनको यहाँ से रखती जाऊंगी। 5 पट्टियाँ तैयार करके मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 5 पट्टियाँ 1 2 3 4 5 5 पट्टियाँ तैयार कर लिए, और नीचे से भी थोड़ा सा इसको गोलाई देते हुए कट कर लूँगे, ठीक है। अब क्या करूँगी फ्रेंड्स, मैं एक एक पट्टी को लेते हुए यूँ सिल लूँगी। दिख रहा है फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इनको सिल लूंगी।
फिर दूसरी पट्टी उठाई मैंने, नीचे ऊपर से तो बराबर कर लिया, नीचे से भी मैं बराबर इसको कर लूँगी और इसको मैं सिल लूँगी। इस तरह से मैं पांचों पट्टियों को सिल लूंगी फ्रेंड्स। मैचिंग का धागा ले लिया मैं, दो पट्टियां कर ली और थोड़ा सा कट कर लिया मैं, इसको भी मैं कट कर लूंगी। कट करके यहाँ मैं इसको सिलाई कर लूंगी फ्रेंड्स। पांचों पट्टियों को सिल कर बताती हूँ, तीन हो गई, दो पट्टियां और सिल लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए चार पट्टी हो गई फ्रेंड्स, ठीक है। ये पांचों पट्टी है, सिल को बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब इन पांचों को मैंने खींच लिए और गांठ लगा दी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा एक फ्लावर बन के तैयार हो गया, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम ये देखिए मैंने खींच लिया है, दिख रहा है ना सुंदर बना। अब हम क्या करेंगे, 5x5 की पट्टियां काटेंगे, तीन 5x5 की, ये देखिए 5 सेंटीमीटर ही लंबा स्क्वायर पीस, 5 सेंटीमीटर लंबा 5 सेंटीमीटर ही चौड़ा, तीन पट्टियां काट के मिलते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 5x5 की पट्टियां काट ली है तीन, इनको भी थोड़ा हीट देकर मोमबत्ती की और तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये जरूरी है फ्रेंड्स, नहीं तो क्या तार निकलते हैं। ये तीनों पट्टियां फ्रेंड्स मैंने तैयार कर ली। फ्रेंड्स, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो, बेल बटन का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और मेरे वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें प्लीज़। एक लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स। अब मैं 5x5 के नहीं तो फ्रेंड्स, मैं इनको इस तरह से मैं मोड़ लूँगी फ्रेंड्स। डबल मोड़ लिया इसको, 5x5 का मोड़ लिया मैंने, ठीक है। एक इस तरह से मोड़ लिया, फिर दूसरा भी मोड़ लिया है इस तरह से, ठीक है। अब इनको जोड़ना है फ्रेंड्स, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से एक के ऊपर एक रखेंगे फ्रेंड्स, दिख रहा है फ्रेंड्स। ये फोल्ड कर दिया, मैंने मैचिंग का धागा भी रो दिया,
ठीक है। और ये दिख रहा है, ये यहाँ बराबर करते हुए, यहाँ से बराबर करते हुए और इधर से भी बराबर करते हुए मैं ये, और ये दो अंदर की ओर आएंगे, बंद मुंह है वो अंदर की तरफ रहेगा। फ्रेंड्स देखिए, इनको बराबर करना ज़रूरी है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये, यहाँ मैं मैचिंग का धागा लेके इस तरह से मैं इसको सिल दूंगी फ्रेंड्स। ये देखिए, ये बंद वाले इससे अंदर रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। इधर नॉट लगाना भूल के भी, ये देखिए इस तरह से ना। अब ये एक और है 5x5 की, इसको भी मैं यूं फोल्ड कर लूंगी फ्रेंड्स, इस तरह से फोल्ड करके, और इसको फ्रेंड्स इसको भी मैं अंदर रखूंगी और इसको भी मैं सिलाई कर दूंगी, ठीक है। ये बंद वाले इससे अंदर की ओर रहेंगे फ्रेंड्स, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सिलाई करके मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है फ्रेंड्स। ये तीन पैटर्न मैंने देखो इधर टांका दिया, इधर टांका दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, ये देखो यहाँ निकल गया ना, ये इसको यहाँ कट कर देंगे और वापस इसको हीट दिखाएंगे। ये बंद वाले हिस्से अंदर रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, बताती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इधर भी टांका लगा लिया और इधर भी टांका लगा लिया, है ना, है ना। दो ये तीनों सिली बंद मुंह अंदर रखे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, टांका लगाते हुए इधर आ गए फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये इस तरह से यूं टांका लगाया फिर यूं लगाया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसको यूं करेंगे, इसको यूं लपेट लेंगे और यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक टांका लगाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टांका लगा के मैं आपको बताती हूँ। मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये टांका लगा लिया। अब यहाँ इसको मैं उलट लूंगी, उलट लिया है मैंने फ्रेंड्स, ठीक है। उलट लिया है, इधर भी मैं टांका लगा लूंगी फ्रेंड्स।
टांका लगा के मिलते। देखिए फ्रेंड्स, ये गुलाब की कली बन गई बीच में। ठीक है, इस गुलाब की कली को मैं इसके अंदर फिट कर दूंगी, फूल के अंदर। ये मेरा स्टूल पिरोई हुई है, इसमें ये इस तरह से मैं टाका देकर देखे फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरह से मैं इस कली को सिल कर तैयार कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज आपको पता चल गया होगा मैंने क्या बनाया। मैंने गुलाब का फूल बनाया है कली सहित, है ना। अभी मैं आपको ये पूरा तैयार करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स, है ना। कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। ये कली मैंने सेट कर दी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पीछे से भी इसको पक्का कर दिया है और कट कर दिया है ना, एक्स्ट्रा थ्रेड काट के इसको फिनिशिंग दे ली है ना। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये गुलाब का फूल कली वाला बन के तैयार हो गया है। मात्र 10 मिनट में अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स, है ना। तो आप भी बनाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुलाब का फूल हमारा बन के तैयार हो गया कली वाला, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।